मिस्टर शिवकुमार, माफ कीजिए, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ा। मैं पूछ सकता हूं कि मुझे इस तरह यहां क्यों लाया गया है? मिस्टर शिवकुमार, आप शायद ये नहीं जानते कि आप इस वक्त बंबई में नहीं, बंबई से 300 मील दूर एक जजीरे में हैं, और यहां सवाल पूछने का हक सिर्फ मुझको है और बाकी लोग मेरे सवालों का जवाब देते हैं। खैर, आप यहां अजनबी हैं, इसलिए आपकी बात का मैं बुरा नहीं मानूंगा। क्या पिएंगे? शराब तो आप पीते नहीं। लगता है मेरे बारे में आप काफी जानते हैं। काफी नहीं, सब कुछ। लेकिन अपनी तारीफ आपने अभी तक नहीं की। अब अपने मुंह से अपनी तारीफ क्या करूं मिस्टर शिवकुमार? बस इतना बताए देता हूं कि पिछले दिनों जो आप पर कातिलाना हमले हुए वो मैंने ही करवाए थे। लेकिन ये आपकी किस्मत की खूबी थी या गोली चलाने वाले के निशाने की खराबी कि आप बच गए? तो क्या यही मुबारकबाद देने के लिए मुझे यहां लाया गया है? नहीं मिस्टर शिवकुमार, मुबारकबाद तो मैं आपको देना चाहता हूं आपकी बहादुरी की, आपकी हिम्मत की और हौसले की। शुक्रिया। और साथ ही एक मशवरा भी देना चाहता हूं, और यह मशवरा आप चाहें तो बहुत कीमती हो सकता है, लाखों करोड़ों का मशवरा। मैं सुनने के लिए बैठा हूं। गुड, आइए। मुझे आपकी एक बात ने बहुत मुतासर किया। आप जानते थे कि आपकी जिंदगी खतरे में है, लेकिन फिर भी किसी कदम आप डरे नहीं, पीछे नहीं हटे। मैं सोच रहा था, जो आदमी पुलिस की मामूली सी तनख्वाह के लिए अपनी जान यूं बाजी पर लगा सकता है, वो लाखों करोड़ों के लिए क्या कुछ नहीं कर दिखाएगा। और उन लाखों करोड़ों के लिए मुझे करना क्या होगा? मेरे लिए काम? अगर आपको दौलत का जरा सा भी शौक है तो आप मेरे ऑफर से इनकार नहीं कर सकते। और अगर मैं ये कहूं कि मुझे पाप के कीचड़ से निकाली गई दौलत से कोई दिलचस्पी नहीं, अगर मैं ये कहूं कि मुझे आपका ऑफर मंजूर नहीं, तो? आपकी मर्जी। वैसे इस वक्त दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसने मेरी बात से इनकार किया हो, इसलिए कि जिन लोगों ने मेरी किसी भी बात से इनकार किया था उनमें से कोई भी इस दुनिया में नहीं रहा। I see. मिस्टर शिवकुमार, आप इस वक्त अपनी मौत के दरवाजे पर खड़े हैं, लेकिन आप चाहें तो जिंदा रह सकते हैं। न सिर्फ जिंदा बल्कि अमीर और कामयाब। सोच लीजिए। Ha 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 ha